एक कागज की आयताकार पट्टी से आप बहुत ही सुंदर एक सर्कल, एक गोला मोड़ सकते हैं और उसके क्षेत्रफल को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। एक कागज की पट्टी लें 29.6 सेंटीमीटर लंबी और 8.8 सेंटीमीटर चौड़ी। अब इस लंबी पट्टी को आप 16 बराबर हिस्सों में बांटें। सबसे पहले मध्य रेखा मोड़ें, फिर खोल करके दोनों सिरों को मध्य रेखा तक मोड़ेंगे तो आपको चौथाई हिस्से मिल जाएंगे। फिर खोल करके सिरों को अगर आप चौथाई हिस्सों पर रखेंगे तो 1/8 हिस्से मिल जाएंगे। इस तरह से बिना किसी पेंसिल या स्केल के आप इस पट्टी को 16 बराबर हिस्सों में मोड़ पाएंगे। इसको मॉड्यूलर फोल्डिंग कहते हैं। अब ये देखिए 1/16 हिस्सा। उसके बाद में आप पट्टी को पलट दीजिए जिससे कि माउंटेन फोल्ड्स ऊपर आ जाए, और फिर एक स्केल लीजिए और एक पुराना बॉल पेन लीजिए जिसकी रिफिल के अंदर कोई इंक ना हो। उससे पहले तो गहरा निशान बनाइए एक डायगोनल का और उसके बाद में उसको मोड़िए। देखिए दोबारा एक बिना इंक के बॉल पेन से पहले तो आप निशान बनाइए गहरा, स्कोर कीजिए और फिर उसको मोड़िए। इस तरह से आप 16 के 16 डायगोनल को पहले स्कोर करें और बाद में मोड़ें। देखिए देखने में आपका मॉडल इस तरह से लिखेगा। इसमें जो डायगोनल्स हैं वो एक दिशा के अंदर हैं और जो सीधी रेखा हैं वो विपरीत दिशा में हैं। उसके बाद में एक हिस्से को, 16 में से एक हिस्से को काट करके आप अलग कर दीजिए जिससे कि अब केवल 15 हिस्से बचेंगे। और उसके बाद में अगर आप इसके जो फोल्ड्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे, तो अपने आप एक गोल बिल्ला जैसा बन जाएगा जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगेगा। अब सबसे पहले आप अपने अंगूठे से दबा करके उसकी सारी क्रीजों को बिल्कुल चपटा कर दें और जिसको जैसे ही छोड़ेंगे वो एक स्पाइरल स्टेयरकेस जैसा दिखेगा। फिर इस आयताकार पट्टी को आप आधे में मोड़ें मध्य रेखा पर। ये देखिए बिल्कुल शार्प क्रीज हो मध्य रेखा पर, और फिर एक पेन नाइफ से उसको दो टुकड़ों के अंदर काट दें। इससे आपको दो बिल्कुल एक समान बराबर हिस्से मिलेंगे। अब इनमें से आप केवल एक ही पट्टी लें और उस पट्टी के मोड़ों को भी आप आपस में इकट्ठा करें, उनके फोल्ड्स को गैदर करें तो अपने आप एक सुंदर गोला बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ये देखिए ये बन गया आपका बहुत ही सुंदर सर्कल, एक आयताकार पट्टी से सर्कल। सर्कल बनने के बाद में एक स्केच पेन से लेकर के आप उसकी एक सतह को पूरी तरह से रंग दें। एक सतह पूरी तरह से रंगने के बाद में जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए गोले का क्षेत्रफल आयताकार पट्टी का लगभग आधा था। ये आप बहुत ही स्पष्ट रूप में देख पाएंगे। इस तरह आप सर्कल के क्षेत्रफल का भी एक अनुमान लगा पाएंगे।